अब आप एक बार इसकी लुक देखो गाइस, जब इसको जलाने के बाद आपको इसकी असली रियलिटी समझ में आएगी। मतलब भाई क्या प्यारे लगते हैं ना देखने में। सोनेट के ग्रेविटी मॉडल में भी भाई किया सेल्टोस के जैसे, ये पूरा का पूरा भाई ब्लू एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन दे रखा है इंटीरियर में। भाई इस 12 लाख की गाड़ी में यार मुझे एक चीज की कमी फील हो रही है, वो है भाई इसका सनरूफ। भाई गाड़ी के अंदर इन्होंने जो ये फीचर ऐड करा है ना भाई, ये इसका प्लस पॉइंट भी एंड इसका नेगेटिव पॉइंट भी। इधर इन्होंने भाई डैश कैम लगा दिया, एंड भाई अगर आप किया सेल्टोस या भाई इनकी कोई भी गाड़ी लेते हैं ना जो ग्रेविटी है, उसके अंदर डैश कैम आएगा ही आएगा। अब इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है भाई, इसका प्लस पॉइंट क्या, मैं बताता हूँ। अब आपकी गाड़ी में लगा हुआ है भाई, आज के टाइम पर तुम्हें पता ही होगा इंडिया के अंदर कैसे गाड़ी चलाते हैं लोग, कोई भी कहीं से भी अड़ जाएगा, एक्सीडेंट हो जाता। तो भाई आप इसको अपने प्रूफ के लिए भाई पुलिस में दिखा सकते हैं, ठीक है, कि आपकी गलती नहीं थी। अब इसका नेगेटिव पॉइंट क्या होगा भाई। सो गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो, और आज हमारे पास जो गाड़ी है ना भाई, वो है किया की सोनेट ग्रेविटी मॉडल। ये आपको डीजल मैनुअल मिलने वाली है, जिसका एक्सोरूम प्राइस है भाई 12 लाख रुपए। लेकिन 12 लाख एक्सोरूम देने के बाद आपको इस गाड़ी के अंदर क्या मिलेगा, कितने फीचर आपको मिलने वाले हैं, वो आपको मैं डिटेल में बताऊंगा भाई। 12 लाख रुपए की गाड़ी है, ऑन रोड अगर आप इसकी बात करेंगे तो 13.5 लाख रुपए के आसपास आपको पड़ेगी। एंड भाई इस गाड़ी के फ्रंट में ना आपको काफी कमाल की चीजें मिल जाएंगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी की से भाई। इसकी जो की है ना आपको बिल्कुल सेल्टोस के जैसे सेम टू सेम मिलती है भाई, बटन इधर साइड छूट में कहीं नहीं आएंगे आपको, यहाँ आपको भाई यहाँ साइड में बटन मिलेंगे बड़े प्यारे से। एंड भाई इधर आपको लॉक दे रखा है, जैसे इस बटन को आप दबाएंगे तो आपकी फिजिकल की बाहर आ जाएगी, आप वापस से इसको फिट कर सकते हैं। इसको निकालने के बाद तो भाई इस गाड़ी के अंदर बिल्कुल वजन ही नहीं रहता, एक सेंसर है, मतलब इतनी हल्की की है ये, ठीक है। इसको फिट कर देंगे तो भाई अब की में वजन हो जाएगा, अब दमदार वाली बात है। या बात करते हैं इसके सामने की लुक की, सबसे पहले आपसे माफी चाहूंगा, गाड़ी थोड़ी सी गंदी हो रखी है, क्योंकि अब आप देख रहे होंगे ना भाई गाड़ी स्टॉक यार्ड में खड़ी हुई है, जिसकी वजह से हल्की सी गाड़ी गंदी हो गई है। तो भाई देखो माफी चाहूंगा पहले आप ना, अब गंदी से आपको लेना भी क्या यार, आपको लेना है फीचर से और प्राइस से। एंड भाई आपको मैं बताऊंगा ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो इस गाड़ी के फ्रंट में आपको DRL मिल जाएंगे, एंड आपको भाई LED में हेडलैम्प मिलने वाले हैं। ये DRL देख रहे हैं भाई, यहाँ से चलता है, ऐसे जाता है, फिर वापस मुड़ के वापस यहाँ आता है, मतलब भाई बड़े प्यारे लगते हैं देखने में। इधर आपको मिल जाते हैं इसके फॉग लैंप, सामने आपको पार्किंग सेंसर भी मिल जाते हैं। काम करता है, इनको जला के आपको दिखाता हूँ। अब आप एक बार इसकी लुक देखो गाइस, जब इसको जलाने के बाद आपको इसकी असली रियलिटी समझ में आएगी। मतलब भाई क्या प्यारे लगते हैं ना देखने में। ये भाई किया की सोनेट ऐसे ही नहीं इतनी ज़्यादा बिकती, इस गाड़ी के अंदर ना बड़े कमाल के फीचर हैं। इंडिया के अंदर किया को बहुत अच्छे से पता है कि इंडिया के कस्टमर को क्या चीज़ पसंद आती है, वो अपनी गाड़ी के अंदर वो चीज़ें कर देते हैं। भाई देखो मैं आपको बड़े कमाल की चीज़ दिखाऊंगा, ये ग्रेविटी मॉडल के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें लगा दी ना, जिसकी वजह से मतलब आपका बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है, एंड कहीं ना कहीं आपका एक चीज़ में नुकसान भी होने वाला है। बात करते हैं इसकी ग्रिल की, सेल्टोस के अंदर ना भी काफ़ी बड़े बड़े से आते हैं वो जो क्यूब है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी छोटे मिल जाते हैं। मतलब मिलते इसके अंदर भी है, सेल्टोस वाला ही लुक है, बट ये छोटी है तो इसके अंदर छोटे कर दिए, सेल्टोस बड़ी है तो उसके अंदर बड़े कर रखे हैं, ठीक है। पार्किंग सेंसर मैंने आपको बता दिए थे, यहाँ आपको भाई पूरा का पूरा क्रोम का वर्क मिल जाता है, ये देख रहे हैं बड़ा प्यारा लगता है देखने में। नीचे की तरफ आपको मिलते हैं बड़ी बड़ी रेडिएटर की ग्रिल, ये रेडिएटर की ग्रिल भाई यहाँ भी दे रखी है छोटी सी, यहाँ से भाई छोटी सी हवा चली जाएगी अंदर। अब यहाँ दे रखी है बड़ी बड़ी, जहाँ से आपके रेडिएटर को काफ़ी अच्छी हवा लगने वाली है। नीचे आपको मिल जाती है स्किड प्लेट के साथ में ऊपर, मतलब भाई पूरी स्पोर्टी लुक देने के लिए। एक काम करते हैं गाड़ी के साइड में आ जाते हैं, यहाँ आपको मिलने वाले हैं डायमंड कट एलोज, एंड भाई इनकी क्वालिटी भी काफ़ी मैच करती है सेल्टोस के साथ में। देखो लुक अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े से सिमिलर लगते हैं देखने में। ये आपको टायर का साइज मिलने वाला है भाई 16 इंच का डायमंड कट के साथ में, ठीक है। डिस्क ब्रेक आपको मिल जाएंगे, सस्पेंशन आपको वही मिलने वाला है जो सेल्टोस के अंदर आता है। इधर आपको मिल जाएगी ग्रेविटी की बैजिंग, एंड आपको मिरर पे इंडिकेटर मिल जाएगा, फेंडर पे इंडिकेटर नहीं आएगा। ये भी भाई आपको ना फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल दोनों मिलते हैं। यहाँ आपको मिल जाएगा गाड़ी के डोर पे रिक्वेस्ट सेंसर, काफ़ी बेटर दे रखा है भाई, आप इसको बटन दबाओ चाबी अपनी जेब में रखो, मतलब आपको भाई चाबी से लॉक अनलॉक करना नहीं पड़ेगा। इधर की तरफ पीछे की तरफ भी आपको काफ़ी बड़ा सा डोर मिल जाता है, डोर पे भी भाई आपको कर्टन दे रखे हैं, देख रहे हैं आपकी प्राइवेसी के लिए। इन कर्टन को आप यूज कर सकते हैं, जब गाड़ी के अंदर जाऊँगा ना आपको डिटेल में दिखाऊंगा कि इंटीरियर में है क्या चीज़ें। पीछे की तरफ आप आ जाओगे ना, कनेक्टर टेल लाइट आपको मिलने वाली है, ये देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक भाई ये पूरी की पूरी कनेक्ट हो रखी है। पीछे की तरफ लुक देख रहे हैं, जब ये रात में जलती है ना भाई, लोगों की जलती है ये, जलती है लोगों की जलती है, मतलब इतनी कमाल की चीज़ें गाड़ी के अंदर है। पीछे की तरफ आपको पार्किंग सेंसर, रिफ्लेक्टर, एंड भाई पीछे की तरफ भी आपको स्किड प्लेट दे रखी है। रिवर्स लैंप आपको यहाँ मिल जाता है, जिस गाड़ी के अंदर भी रिवर्स लैंप यहाँ होता है ना, मुझे एक ही चीज़ से प्रॉब्लम आती है, जब आप अपनी गाड़ी चला रहे हो ना, आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे ड्राइव करते हुए बाइक पे, जिनकी गाड़ी में या तो ब्रेक नहीं होते हैं या फिर वे पैर से ब्रेक लगाते हैं, और जब वे पैर से ब्रेक लगाने वाले हैं ना भैया, यहाँ मारेंगे और इसको तोड़ देंगे। मेरे पास इसी गाड़ी थी, बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है भाई, लोग तोड़ते हैं इसको, ठीक है। ये थोड़ी सी भाई ऊपर लगाया करो कंपनी वालों, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नहीं तो भाई खामो खा कस्टमर को भाई पैसे अपनी जेब से निकालने पड़ते हैं, ठीक है। काफ़ी लुक थी भाई। इधर आपको मिल जाता है पार्किंग कैमरे की क्वालिटी, गाड़ी के अंदर जाकर आपको दिखाऊंगा। यहाँ आपको मिल जाएगा वाइपर, डिफोगर,
स्पॉइलर एंड आपको हाई स्टॉप माउंट लैंप भी गाड़ी के अंदर मिल जाता है। ये आपको हैलोजन में मिलेगा, एलईडी में नहीं मिलेगा। एलईडी में आपको सिर्फ यहाँ मिलने वाला है, ऊपर की तरफ भी आपको शार्क पी 19 है एंड आपको भाई रूफ रील भी मिल जाती है। इधर साइड में आ जाओगे आपको मिल जाएगा फ्यूल लीड, एड ब्लू भी आप यहीं से ऐड कर सकते हैं। एक काम करते हैं ना यार, गाड़ी के सीधा अंदर चलते हैं, अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले एक काम करो, इसको बूट से देख लो, ये काफ़ी बड़ा सा बूट आपको दे रखा है भाई। इसका बूट इतना बड़ा है आप इजीली इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं एंड भाई लेट भी सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी फिट एंड फिनिश दे रखी है। देखो काफ़ी भाई फिट एंड फिनिश ज़्यादा अच्छी मिल जाती है किए की गाड़ियों में। इधर आप देख रहे हैं ये भाई आपके टूल दे रखे हैं, ठीक है, इनको आप इधर कहीं भी रख दो, ये आपका वापस से चिपक जाएगा। अभी आपको ये प्लेट उठा के दिखाता हूँ। जैसे आप इस प्लेट को उठाओगे ना, इसके अंदर आपको मिलने वाला है काफ़ी बेहतरीन सा व्हील। ये आपको भाई एलोइज नहीं मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा। इसके अंदर आपके भाई थोड़े बहुत टूल वगैरह पड़े हुए हैं। ये आपको मिलने वाला है 1 इंच छोटा, 15 इंच का आपको मिलेगा। एक चीज़ आपको और बता दूँ भाई, जो आपका स्पेयर व्हील होता है ना, इनको आप अपनी गाड़ी में भाई वैसे डाल के मत चलाया करो यार, इनकी ना लिमिटरी होती है ऐसी भाई, थोड़े हल्की क्वालिटी के आते हैं, 1 इंच छोटा भी है, जिससे कि आपकी गाड़ी में ना भाई बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कि आपकी गाड़ी में अलाइनमेंट की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि 1 इंच छोटा है भी आपके 1 इंच बड़े हो जाएंगे, तो ये चीज़ें मत किया करो। इस गाड़ी में इधर की तरफ स्पेस दे रखा है, मतलब भाई ये उल्टा सीन है, ऐसे होता है, लेकिन ऐसे अगर आपको बंद करनी है ना, ऐसे करनी पड़ेगी, मतलब भाई ऐसे कौन ही बंद करेगा यार। चलो मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, गाड़ी के अंदर चलते हैं। टोटल चीजें ना आपको सारी गाड़ी के अंदर मिलेगी। अब इसका आप डोर देख रहे हैं भाई, इसके डोर पे भी आपको एल्टोज के जैसे ये भाई पूरा का पूरा ब्लू का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, लेकिन इसमें ब्लू यहाँ नहीं दे रखा है भाई, ठीक है, सेल्टोज में आपको यहाँ भी मिल जाता है। इसमें आपको सिर्फ डोर पे मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा इधर लेदर, पूरी की पूरी आपको एक ग्रिप मिल जाती है, यहीं आपको ORVM के कंट्रोल मिल जाते हैं। देखो इनको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, अगर आपको एडजस्ट करने है राइट वाला, ठीक है, इधर क्लिक करो एंड भाई आपका ये मिरर एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपको ये फोल्ड करने है ना, आपने एक बटन प्रेस करना है एंड भाई आपके ORVM ऑटोमेटिक फोल्ड भी हो जाएंगे एंड अनफोल्ड भी हो जाएंगे। यहाँ से आप अपनी गाड़ी को लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं। इधर आपको भाई जो इसके हैंडल है ना, ये आपको क्रोम गार्निश के साथ मिलने वाले हैं सिल्वर कलर में। चारों विंडो आपको पावर मिल जाएगी, मिरर लॉक एंड अनलॉक करने के लिए बटन मिल जाएगा। इधर की अगर बात करेंगे, इधर आपको ट्रैक्शन ऑफ एंड ऑन करने के लिए बटन, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन एंड आपको भाई ये मिलता है पार्किंग के लिए, ऑटो स्टार्ट ऑफ, इधर हेडलाइट के कंट्रोल आपको दे रखे हैं। इधर आपको दिखा दो पूरा का पूरा हैंडल आपको लेदर रैप मिलने वाला है, जिसपे आपको भाई वॉइस कमांड से लेके वॉल्यूम के कंट्रोल, यहाँ आप कॉल रिसीव करने के लिए एंड अगर आपको कोई चीज़ फेवरेट करनी हो तो भाई आप वो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इधर आपको मिल जाएंगे भाई क्रूज कंट्रोल तो नहीं होंगे, इसके अंदर आपको क्लस्टर के कंट्रोल मिल जाएंगे। जैसे आप एक बटन दबाते हैं, देखो भाई आपका क्लस्टर चेंज हो जाएगा, पूरा का पूरा डिजिटल आपको मिलता है। स्पीडोमीटर भी आपको डिजिटल में मिलने वाला है, सामने ऊपर की तरफ हेडलाइट के भाई आ रखे आपके वार्निंग, जैसे मैं इसको बंद करूंगा चले जाएंगे, अब लाइट ऑटो पे आ गई, ठीक है, ऑटो हेडलाइट आपको मिलती है, जैसे ही शाम होगी ना अपने आप जल जाएगी, ठीक है भाई। आपको गाड़ी के अंदर वाइपर भाई मैनुअल मिलेंगे, इसमें कोई रेन सेंसिंग वगैरह नहीं दे रखा कि भाई साइकिल ऑटोमेटिक चल जाएंगे। क्लस्टर काफी प्यारा सा लगता है, अगर पूरे हैंडल की बात कर ले तो कुछ ऐसी लुक आएगी एंड ये आपका पूरा कंप्लीट डैशबोर्ड भाई। इसके जो एसी वेंट है ना, ये बड़े प्यारे लगते हैं मुझे देखने, मतलब ऐसे भाई राउंड राउंड सी में दे रखे हैं, मतलब एक लग्जरी लुक आती है जो विंटेज गाड़ियों में आती थी ना पहले, वो वाली। काफी बड़ी सी आपको टच डिस्प्ले मिल जाएगी, यहाँ से अगर आप बटन प्रेस करेंगे ना, ठीक है, ये सारे के सारे बटन आपके भाई ट्रैक के, सीट के, सेटअप, यहाँ से आप भाई एंटर फाइल ट्यून, मतलब इस गाड़ी को भाई ऐसे अगर बटन दबाना ना ओके वगैरह हो जाएगा, ठीक है। इधर आपके रेडियो का मिल जाएगा, इधर आपका भाई रेडियो दबा दिया, इधर आपका मीडिया हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से आप अपनी मीडिया चला सकते हैं, यहाँ से आप इसको एक ही बटन में म्यूट कर सकते हैं, ठीक है भाई, यहाँ से आप किसी चीज़ को फेवरेट कर सकते हैं। ऑल मेन्यू की अगर बात कर ले, ऑल मेन्यू में आपको फोन प्रोजेक्शन, वॉइस मेमो, रेडियो, मीडिया, DRVM, किट मूड, सेटिंग में जाएंगे तो सेटिंग में भी आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएगी, साउंड, डिवाइस कनेक्शन, डिस्प्ले, बटन, जनरल, वाईफाई, क्लाइमेट क्या है भाई, इसको एक बार क्लिक करते हैं, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इंटरनल एयर सर्कुलेशन, ऑटोमेटिक वेंटिलेशन, यहाँ से आप अपनी गाड़ी को भाई सेट कर सकते हैं, इसका क्लाइमेट कैसा रहना चाहिए, ऑटोमेटिक रहना चाहिए, इंटरनल, मतलब अगर आप यहाँ से निकलना चाहते हैं तो भाई यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको भाई एक काम करते हैं, बैक कर देते हैं, यहाँ आपको बटन वगैरह के लिए दे रखे हैं, ठीक, इसको एक बार और बैक करेंगे, स्लाइड करेंगे, स्लाइड में आ जाएगा आपका मैनुअल, यहाँ आप अपना मैनुअल निकाल सकते हैं, होम बटन भी यहीं दे रखा है, एक बार बटन दबाएंगे अब आप होम बटन पर आगे, इधर आपको सेटिंग के लिए दे रखा है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपके फिर वही सेटिंग आ जाएगी, मतलब आप भाई कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं। इधर आपको मिलने वाली है गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक एसी, ये आपको भाई ड्यूल जोन नहीं मिलेगी, नॉर्मल मिलने वाली है, ये आपको मिलेगा हजार्ड लाइट के कंट्रोल, ठीक है, पार्किंग वाले। इधर आप अपने एसी के कंट्रोल कर सकते हैं, अगर मैनुअल भी एंड भाई ऑटो भी, फैन की स्पीड बढ़ा सकते हैं, यहाँ अपनी एसी को ऑफ एंड ऑन कर सकते हैं, ऑटो पे भी कर सकते हैं, ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं, एक बटन दबाओ ऑफ,
ठीक है, रियर डिफोगर, फ्रंट डिफोगर, यहाँ से आपको भाई ये हवा कहाँ चाहिए, ठीक है, डिफोगर पैर पे, या भाई आपको मिरर मिरर पे चाहिए, या भाई पैरों में चाहिए, या भाई अपने फेस पे चाहिए, वो आप यहाँ से अपने एसी के इनको वेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से भाई आप इसके क्लाइमेट को एडजस्ट कर सकते हैं, आपको बाहर की हवा चाहिए नहीं चाहिए, ऑफ का मैंने आपको बताई थी। नीचे की तरफ आप आओगे ना भाई, यहाँ आपको मिलने वाला है वायरलेस चार्जर, ये भाई देख रहे हैं ऊपर की तरफ दे रखा है, ये अपनी गाड़ियों में ऐसे ही देते हैं, सेल्टोस में तो बिल्कुल छुपा सी के दे रखा है। चलो इसके अंदर तो फिर भी यहाँ मिलता है, यहाँ क्या लिखा है भाई, क्वेश्चन, केमिकल स्टेंस परफ्यूम एयर फ्रेशनर ETC ऑन द इंटीरियर पार्ट में कॉज डैमेज, प्लीज वाइप देम ऑफ इमिडिएटली। मतलब भाई इन्होंने ना साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई जो आपका परफ्यूम वगैरह है ना, उसको भाई आप अपने डैशबोर्ड वगैरह पे ना मारा करो, इसलिए भाई मैं आपको क्या बोलता हूँ, एक ऐसे परफ्यूम आते हैं भाई जिनमें ऐसे पेपर वगैरह होते हैं, उस पर मारा करो, ठीक है। ये आप जो स्प्रे स्प्रे उड़ा खेल रहे होते हैं ना बच्चों की तरह, उससे आपकी गाड़ी का ही नुकसान होना है, तो ये चीज़ें मत किया करो अपनी गाड़ी के अंदर। ये आपको छोटा सा स्पेस मिल जाएगा, USB-C टाइप 12 वोल्ट का सॉकेट भी आपको मिल जाता है जो 180 वाट तक एक्सेप्ट करता है। यहाँ आपको मिल जाएगा मैनुअल 6 स्पीड ट्रांसमिशन गियर, अगर आपको इसके पार्किंग कैमरे की क्वालिटी दिखा दूं ना, आपको ये बटन दबाना पड़ेगा एंड देन फिर आप इसमें भाई रिवर्स गियर लगा सकते हैं। रिवर्स गियर लगने के बाद आपको पार्किंग कैमरे की क्वालिटी कुछ ऐसी मिलने वाली है, काफी बढ़िया दे रखी है भाई। इधर आपको मिल जाएंगे दो कप होल्डर एंड आपको मैनुअल भाई आपको हैंड ब्रेक मिलेगा, अगर इसको आप ऊपर करोगे तो भाई इसमें हैंड रेस्ट मिलता है, इसके नीचे भी आपको स्पेस मिल जाएगा एंड ये हैंड रेस्ट भी भाई लेदर रैप के साथ आता है। अगर इसकी बात करें डैशबोर्ड की तो ये आपको हार्ड प्लास्टिक मिलता है, भाई ये भी लेदर रैप होना चाहिए था सेल्टोस के जैसे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। अब भाई बात करते हैं इसके सनवाइजर की, इसमें आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको भाई पैसेंजर के साइड में वैनिटी मिरर मिल जाएगा, अगर आपकी वाइफ वगैरह इधर बैठी हुई है तो भाई अपने फेस देख के मेकअप कर सकती है, मतलब भैया कंपनी सोचती है उधर बैठे हैं तो भैया मेकअप कर लो, इधर तो भाई आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी, आगे देखो ना शीशे में देख के क्या कर रहे हो। एक चीज आपको मिल जाती है डैश कैम, इसका बेनिफिट भी है एंड भाई इसका नेगेटिव पॉइंट भी है। बेनिफिट क्या, देखो यार आज के टाइम पे ना भाई कोई भी गाड़ी किधर से भी चला रहा होता है एंड भाई इंडिया की ये नीड को समझा किया ने और इसमें डैश कैम लगा दिया, जितने भी आप ग्रेविटी मॉडल लोग हैं ना सबके अंदर आपको डैश कैम लगा हुआ आएगा भाई, कंपनी फिटेड है एंड इधर आप देख रहे हैं ये डैश कैम, इसमें भाई दो कैमरे दे रखे हैं, एक बाहर का रिकॉर्ड करता है एक अंदर का रिकॉर्ड करता है। अब सपोज करो आप अपनी गाड़ी को लेकर जा रहे हो और आपको प्राइवेसी चाहिए, आपने अपने पापा से गाड़ी मांगी, आपने अपने दोस्त से गाड़ी मांगी और दोस्त से गाड़ी मांग के आप ये भूल गए बंद करना, देन आपकी फिल्म रिकॉर्ड हो जाएगी भाई, ठीक है। तो थोड़ा सोच समझ के गाड़ी को यूज करना। इसका जो भाई IRVM है ना, ये आपको हाथ से एडजस्ट करना पड़ेगा, काफ़ी बेटर क्वालिटी के साथ में आपको मिलता है भाई, दिख रहे हैं, मतलब भाई क्वालिटी तो है किया के अंदर, इनकी फिट एंड फिनिश इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, तभी इंडिया के अंदर भाई आज के टाइम पर चल भी रही है। इसको जैसे ही आप खोलोगे ना, ये बड़ा सॉफ्ट के साथ में आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है, वापस बंद कर सकते हैं। आपको रीडिंग लैंप हैलोजन में मिलने वाले हैं इस मॉडल के अंदर, अगर आप इसको डोर पे कर दोगे तो जैसे ही मैं डोर खोल लूँगा तो ये ऑटोमेटिक जल जाएगा। इधर की तरफ आपको कोई हैंडल नहीं मिलेगा, पैसेंजर की तरफ आपको हैंडल मिल जाता है। अब एक काम करते हैं ना भाई, गाड़ी के पीछे वाले रो में चलते हैं, आपको लेग रूम दिखाता हूँ एंड पीछे के फीचर भी आपको दिखाता हूँ। सो गाइस अगर इसके सेकंड रो की बात कर लेना तो भाई सेकंड रो में आपको अच्छे खासे फीचर मिल जाते हैं, डोर पे आपको वही लेदर रैप मिल जाएगा, पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाएंगे, प्राइवेसी के लिए आपको कर्टन मिल जाएगा, इस कर्टन को आप पार्किंग में यूज करना, सिटी और हाईवे पे यूज मत करना, चलान कट जाएगा, मैं आपको बार बार बताता हूँ, मेरा कटा हुआ है भाई, ये कंपनी फिटेड कह देते हैं ना लोग, कंपनी फिटेड है भैया चलान नहीं कटेंगे, भाई पुलिस वालों को जब चलान काटना होता है ना तो इन पे भी काट देंगे और जब नहीं काटना होता ना तो भाई आप जेड ब्लैक करके लेके चलो अपनी गाड़ी तब भी छोड़ देंगे। इधर आपको एक हैंडल मिल जाएगा, पीछे की तरफ भी आपको भाई हैलोजन में रीडिंग लैंप मिल जाएगा एंड इसके सारे के सारे हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिलते हैं पीछे से लेके फ्रंट तक, इनको आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं एंड अपने कंफर्ट के अनुसार आप बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अपने ड्राइव को। पीछे की तरफ भी आपको एसी वेंट मिल जाएंगे, ये एसी वेंट को भाई देखो यहाँ कोई फैन वगैरह एडजस्ट करने के लिए बटन नहीं दे रखे, आपको दो सी टाइप केबल लगाने के लिए जरूर मिल जाते हैं, यहाँ आपको स्पेस मिल जाता है छोटा सा जहाँ आप अपना फोन वगैरह रख सकते हैं। पीछे की तरफ भी भाई आपको गाड़ी के अंदर हैंड रेस्ट मिल जाता है, ये हैंड रेस्ट भी काफी अच्छी क्वालिटी में है एंड आपको बता दो भाई इसमें भी सेल्टोस की तरह आपको ब्लू एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिलेगा, ये सीट है ना ये ब्लू आ गई क्योंकि ग्रेविटी है ना, आप ग्रेविटी कोई भी लोगे ना उसमें आपको ऐसे ब्लू कलर का इंटीरियर मिलने वाला है। इसके अंदर आपको दो कप होल्डर भी मिल जाएंगे, काफी अच्छे बेहतरीन लुक के साथ आता है। एक काम करते हैं गाड़ी का आपको हुड खोल के दिखाता हूँ एक बार कि गाड़ी के हुड में इंजन क्या मिलेगा एंड आपको कितनी पावर जनरेट करेगा। तो आपको 1.5 लीटर CRDI इंजन मिलने वाला है 16V एंड ये आपको भाई पावर जनरेट करेगा 114 BHP की एंड NM आपको देगा 250। अब ये डीजल इंजन है तो कहीं ना कहीं आपको भाई गाड़ी के अंदर थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉइज आ रही होगी, लेकिन अगर ये पेट्रोल इंजन होता ना तो भाई बिल्कुल साइलेंट इंजन आपको मिलता है।
सो गाइस ये थी किया की ग्रेविटी 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ, जो मैनुअल आपको मिलते हैं, जिसका एक्सोरूम आपको पड़ता है 12 लाख रुपए का एंड ऑन रोड आपको पड़ती है 13.5 लाख रुपए की। अब ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, यार मैं बोलूंगा वैल्यू फॉर मनी है भाई। बहुत कुछ चेंज हो गया है, इंटीरियर गाड़ी का चेंज हो गया, डैश कैम गाड़ी के अंदर लगा दिया, बहुत सारी चीजें भाई। एंड किया की गाड़ियों में ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं ज्यादातर मेंटेनेंस की, कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम आए तो भाई आप आंख बंद करके ये गाड़ियां उठा सकते हैं। मैं आपको भाई सजेस्ट करूंगा अपनी तरफ से बेटर गाड़ियां बनाते हैं अपने भाई, बहुत सारे सर्कल में है भी जो यूज कर रहे हैं, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम आई नहीं गाड़ी के अंदर। माइलेज की अगर बात कर लेना भाई तो हाईवे पर आपको दे देगी 17-18 का, सिटी के अंदर आपको भाई 13 का माइलेज आराम से निकाल के दे देती है अगर आप सही से चला रहे हैं मैनुअल। तो भाई अपनी मर्जी से आप इस गाड़ी को यूज कर सकते हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब फॉर मोर।